हेलो गाइस, ये हमारे पास आज ये पीसीबी आया है एलजी फ्रंट लोड 6.2 kg डायरेक्ट ड्राइव वॉशिंग मशीन है। इसमें स्टार्ट बटन काम करना बंद हो जाता है और आपको मालूम है कि इसमें स्टार्ट बटन काम नहीं करता है तो पीसीबी रिपेयरिंग में बाहर देते हैं। तो मिनिमम चार्ज फ्रंट लोड डायरेक्ट ड्राइव का चार्जेस होता है 1000 रुपीज़, यानी 1000 रुपये आपको चार्ज पे करना पड़ता है पीसीबी रिपेयरिंग वाले के यहाँ पे। तो ये सबसे पहले अपने देखेंगे कि जो टाइमर में लाइट्स दिया हुआ है एलईडी लाइट्स, वो एलईडी लाइट्स को आपको ध्यान से देखना है कि एलईडी लाइट्स में कौन सा एलईडी आपका नहीं जल रहा है या फिर शॉर्ट है। एलईडी आपको चेक करना है, यदि आपको चेक करना नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एलईडी कैसे चेक करते हैं। अभी मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो लाइट बंद है उसको आप रिप्लेस कर देवे, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा एलईडी लाइट शॉर्ट है तो आप पूरी एलईडी चेंज कर दीजिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप पूरी एलईडी चेंज कर दोगे तो आपको भविष्य में नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये वाला एलईडी अपने सबसे पहले चेंज करेंगे और दूसरा बटन भी चेक कर रहे हैं कि कौन सा लगा हुआ है। यहाँ पे ट्रैक्स कटा हुआ है, ट्रैक्स चेक करेंगे पहले। और ट्रैक बनाने के बाद हम यो जो एलईडी बंद था सेकंड नंबर वाला, नीचे से सेकंड नंबर वाला, ये एलईडी भी अपने रिप्लेस करेंगे और ये ट्रैक भी बना देंगे। ट्रैक बनाने के बाद अपने जो बटन्स काम नहीं कर रहे थे वो बटन्स के ट्रैक भी हम चेक करेंगे यहाँ से। जो भी ट्रैक ख़राब होगा उसको आप ऐसे ये वायर जो जम्पर लगाए हुए उस ढंग से भी आप जम्पर लगा सकते हो, और नहीं तो ट्रैक बन भी जाता है, ट्रैक को शोल्डर भी मार के ट्रैक को रेडी किया जा सकता है। तो देखिए ये वाला एलईडी अपना जला हुआ है, काला पड़ गया है वो पूरा, नज़दीक से देखोगे तो। ये वाला एलईडी हम रिप्लेस करेंगे अभी, तो चलो रिप्लेस कर लेते हैं। सो गाइज, हमने पीसीबी में सब एलईडी चेंज कर दिया है, तो अभी हम देखेंगे कि ये स्टार्ट बटन अपना काम करता है या नहीं करता है। तो अभी चालू करते हैं। तो ये अपना स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट बटन वर्किंग हो गया, अभी देख सकते हो आप हो गया है। अभी ये सेंसर एरर आ रहा है, जो मशीन में लगने के बाद वायरिंग के साथ आप अटैच करोगे तो ये सेंसर एरर नहीं आएगा, क्योंकि अभी अपने सिर्फ चेक कर रहे, बटन चेक कर रहे, इसके लिए ये एरर आ रहा है। और अपने ने पूरा वायरिंग भी नहीं लगाया हुआ है, इस वजह से आ रहा है। तो आपका ये पीसीबी एकदम रिपेयर हो गया है, तो आप अभी ले जाके लगा सकते हो। तो आप भी ऐसा रिपेयर करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के हर वीडियो को आप देखते रहिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाना है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।